How to fix OnePlus इंटरनेट नॉट टर्निंग ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने OnePlus की डिवाइस में इंटरनेट नॉट टर्निंग ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है या पे ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। कभी कभार दोस्तों क्या होता है, आपका इंटरनेट ऑन नहीं हो पाते और कभी कभार ऑफ़ नहीं हो पाते। ऑन नहीं हो पा रहा है, ऑफ़ नहीं हो पा रहा है, इसका सॉल्यूशन सेम ही है। आपको सिर्फ वीडियो देखना है और सॉल्यूशन को फॉलो करना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर दोस्तों आपको इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो सबसे पहले आप डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट करके देख सकते हैं। डिवाइस रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका जो डेटा कनेक्शन है वो ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है, नॉर्मली बिहेव कर रहा है, तो दोस्तों अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए अभी भी आपको सेम वही प्रॉब्लम आ रहा है रिस्टार्ट करने के बाद भी, तो क्या करना है? तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा नीचे पे सिस्टम ऑप्शन, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे पे आइए और सिस्टम पर क्लिक कीजिए एंड देन रीसेट ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा जो कि लिखा हुआ है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ। ये जो है दोस्तों आपके नेटवर्क को रीसेट करने के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना सिम सेलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद रीसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल पासवर्ड भर देना है और उसके बाद अपना जो नेटवर्क कनेक्शन से उसको रीसेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों एक बार दोबारा से चेक करके आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अगर सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सॉल्व अभी भी नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन फॉलो कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल को सेफ मोड पे एक बार रिबूट करके देखिए, ठीक है। तो सेफ मोड पे रिबूट कैसे किया जाता है, आपको अपना जो पावर बटन है उसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे पावर ऑफ का बटन, ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो 2 सेकेंड यहाँ पर क्लिक करके रखिए तो आपको यहाँ पर रिबूट टू सेफ मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये आपको ओके पर क्लिक करना है, ठीक है। ओके करने के बाद आपका जो फ़ोन है वो रिबूट हो जाएगा सेफ मोड पे। और उसके बाद चेक करके देखें दोस्तों, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए भाई एनी चांस सारे सॉल्यूशन आपने करके देखा फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यहाँ पर आप सिस्टम पर जाके अपना सिस्टम को अपडेट करें, ठीक है। सिस्टम को यहाँ पे अपडेट करें। सिस्टम अपडेट करने के बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वो कम्प्लीटली फिक्स हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कई बार सिस्टम अपडेट नहीं होने की वजह से जो है हमारा फ़ोन मिसबिहेव वगैरह करते हैं, बग्स वगैरह की वजह से प्रॉब्लम आते हैं। तो आपको सिंपली सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों आप चेक करके देख लीजिएगा आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। एंड देन आप आसानी से अपना जो इंटरनेट है उसको ऑन भी कर पाओगे यहाँ पे और सारे सारा आप इसको बंद भी कर पाओगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, अपने नोटिफिकेशन बार को स्वाइप डाउन कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।